शाहरुख खान के लिए साल 2023 काफी शानदार रहा है। बॉलीवुड के किंग खान की इस साल दो फिल्में पठान और जवान पहले ही ब्लॉकबस्टर रही हैं। वहीं अब साल के खत्म होने पर शाहरुख खान अपनी तीसरी फिल्म डंकी के साथ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर की हैट्रिक लगाने आ रहे हैं। फिलहाल रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म डंकी का क्रेज फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। इसी के साथ फिल्म की धुआंधार एडवांस बुकिंग भी हो रही है। चलिए यहाँ जानते हैं कि डंकी के फर्स्ट डे के शो के लिए अब तक कितने टिकट बिक चुके हैं। शाहरुख खान की डंकी की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को लेकर इतना ज्यादा बज है कि इस बम्पर एडवांस बुकिंग हो रही है। कई फैंस ने तो डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पूरे ही थिएटर की बुकिंग करा ली है। वहीं डंकी की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों की बात करें तो सैकलनिक की रिपोर्ट के मुताबिक डंकी के देश भर में फर्स्ट डे के लिए अब तक 2,55,796 टिकट बिक चुके हैं। इसी के साथ डंकी ने रिलीज से पहले 7,46,00,000 रुपए की कमाई कर ली है। वहीं कहा जा रहा है कि डंकी की एडवांस बुकिंग के चलते देश भर के 70% मल्टीप्लेक्स पहले दिन के लिए हाउसफुल हो गए हैं। दरअसल खुद को क्रिटिक्स बताने वाले केआरके ने ट्वीट कर यह दावा किया है। केआरके ने लिखा कि एडवांस बुकिंग के कारण पूरे भारत में लगभग 70% मल्टीप्लेक्स थिएटर पहले ही दिन हाउसफुल हो चुके हैं। यह प्रमाण है कि डंकी का पहले दिन का कारोबार 50 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है और लाइफटाइम कलेक्शन 500 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। शाहरुख खान ने 2023 में ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे 2053 तक शायद ही कोई तोड़ पाए।